हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे पेप्टाइड्स के बारे में। पेप्टाइड्स को समझेंगे, अलग अलग तरह के पेप्टाइड्स को जानेंगे। कौन सा स्पेसिफिक पेप्टाइड्स है जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, ये सब चीज़ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो जरूर देखें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेप्टाइड्स के बारे में, पेप्टाइड्स को समझते हैं पहले। तो पेप्टाइड क्या है? तो पेप्टाइड एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जो नेचुरली हम लोग के बॉडी में मिलता है। देखा जाए तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये पेप्टाइड मिलता है। हम लोग के डेली एक्टिविटीज, डेली बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए ये पेप्टाइड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं थोड़े पेप्टाइड्स के डिटेल के बारे में। डीप डिटेल की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर हम लोग को जानने की जरूरत है पेप्टाइड्स के बारे में, जो हम लोग को काम आ जाए। तो पेप्टाइड एक अमाइनो एसिड से बना हुआ रहता है, अलग अलग अमाइनो एसिड से बना हुआ रहता है। अमाइनो एसिड्स के जो बॉन्डिंग होते हैं उससे पेप्टाइड्स बना हुआ रहता है। देखा जाए तो प्रोटीन भी अमाइनो एसिड से ही बना हुआ रहता है, अलग अलग बॉन्ड से। तो आप बोल सकते हो कि पेप्टाइड्स और प्रोटीन दोनों सेम है, तो ऐसा नहीं है। पेप्टाइड्स का जो बॉन्डिंग होता है अमाइनो एसिड्स का और जो प्रोटीन का बॉन्डिंग होता है अमाइनो एसिड्स का, उसमें क्या होता है कि पेप्टाइड्स के जो अमाइनो एसिड जो बॉन्ड रहते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं, कम होते हैं, और प्रोटीन का जो अमाइनो एसिड एक दूसरे से बॉन्ड रहता है वो बहुत लार्ज होते हैं। तो पेप्टाइड्स का जो अमाइनो एसिड्स रहते हैं, 2 से लेकर ऑलमोस्ट 50 तक जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एक दूसरे से बॉन्ड रहते हैं। किसी कोई पेप्टाइड्स 4 अमाइनो एसिड के बॉन्ड से बने हुए रहते हैं, चेन से बने हुए रहते हैं, कोई 10 से बने हुए रहते हैं, तो कोई 15 से बने हुए रहते हैं। तो ये सब अलग अलग पेप्टाइड्स होते हैं जो अलग अलग बॉन्ड अमाइनो एसिड के बॉन्ड से बने हुए रहते हैं, मगर ऑलमोस्ट 2 से 50 के बीच में रहते हैं। तो ये शॉर्ट है। जो प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड से एक दूसरे से बॉन्डेड रहते हैं। इसलिए पेप्टाइड्स और एक प्रोटीन दोनों एक दूसरे से डिफरेंस है। बोल सकते हैं कि पेप्टाइड एक प्रोटीन का छोटा सा वर्जन है, जिसके कारण बॉडी पेप्टाइड को इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है और प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा टाइम जाता है। इसलिए जाता है क्योंकि उसके अमाइनो एसिड लॉन्ग चेन से बने हुए रहते हैं। तो और पेप्टाइड्स के जो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से बॉन्डेड बहुत शॉर्ट चेन से रहता है, इसलिए ये एब्जॉर्प्शन बहुत इसका जल्दी होता है, उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा स्लो होता है। तो ये रीजन है कि प्रोटीन स्लो एब्जॉर्प्शन करता है और पेप्टाइड बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप देखे होंगे बहुत ऐसे अपना प्रोडक्ट्स है, जो हेल्थ प्रोडक्ट्स है, जो अपना बोल सकते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, उसमें लोग ये पेप्टाइड्स को यूज करते हैं। कुछ प्रोडक्ट है जो मैं आपको बता दूं, जैसे एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कॉलिगन्स हो गए, ये भी एक पेप्टाइड है, कॉलिगन भी एक पेप्टाइड्स है। फिर क्रिएटिन हो गए, ये जो मसल बिल्डिंग में हम लोग यूज करते हैं, कॉलिगन एंटी एजिंग में यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो पेप्टाइड को यूज करके बनाया जाता है। तो और भी बहुत सारे बायो एक्टिव पेप्टाइड्स को बनाया जाता है, और बहुत सारे बायो एक्टिव पेप्टाइड्स है जिसको एंटी डोपिंग एजेंसी ने बैन करके रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पेप्टाइड का यूज करके मिसयूज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग में मिसयूज करते हैं। बहुत जगह ऐसे एथलीट्स है जो इस पेप्टाइड्स का बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं, इनहेंसिंग ड्रग जैसा यूज करते हैं। तो मैंने आपको समझा दिया कि पेप्टाइड क्या है, जितना आपको जानना था पेप्टाइड के बारे में उतना मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग एक स्पेसिफिक पेप्टाइड के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, वो है IGF। आप लोग ने सुना होगा बहुत जगह HGH, IGF लोग बॉडी बिल्डिंग में यूज करते हैं। तो हम लोग आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो वो टॉपिक है IGF। HGH के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आप लोगों को HGH के बारे में वीडियो देखना है तो मेरे गैलरी में जाके आप देख सकते हैं। आपको मैं इसे लिंक में छोड़ दूंगा, आप देख लो। वो HGH का वीडियो आपको देखना है तो कि HGH कैसे लेना है, क्या है। तो मैं आज आप लोगों को IGF के बारे में वीडियो बना के दूंगा और IGF के बारे में थोड़ा सा हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो IGF भी एक पेप्टाइड है। बॉडी बिल्डिंग में IGF को यूज किया जाता है मसल ग्रोथ के लिए, फैट लॉस के लिए और एपेटाइट कंट्रोल करने के लिए भी। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि HGH और IGF में डिफरेंस क्या है। देखा जाए तो HGH भी पेप्टाइड है और IGF भी पेप्टाइड है। HGH का जो कमांड सेंटर है वो है ब्रेन, और उसका एक प्रोसेस होता है HGH को प्रोड्यूस करने के लिए, जो प्रोसेस प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। तो इसका एक बहुत बड़ा थ्योरी है और बहुत बड़ा स्टडी है, जो आपको जानने की उतनी डीपली जरूरत नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि HGH का जो कमांड सेंटर है वो है ब्रेन है। और HGH एक्चुअली करता क्या है? HGH का जो मेन काम है वो क्या करता है
कि फैटी एसिड को टिश्यू से लिबरेट करता है और उसको एज अ एनर्जी कन्वर्ट करता है। देखा जाए तो एचजीएच कोई भी एनाबॉलिक हार्मोन नहीं है, मगर इनडायरेक्टली एचजीएच एनाबॉलिक का रोल प्ले करता है। वो कैसे करता है? एचजीएच एक सिग्नल भेजता है अपने लीवर पे और लीवर क्या करता है, एचजीएफ प्रोड्यूस करता है और उसके बाद पूरा एनाबॉलिक एक्शन हम लोग के ऑल ओवर दी बॉडी में होता है। तो समझ लो आईजीएफ पूरा मसल ग्रो से रिलेशन रखता है, बॉडी के हर एक सेल्स को ग्रो करने में आईजीएफ मदद करता है। तो आप बोल सकते हो एज अ आईजीएफ को आप लोग बोल सकते हो कि ये एक एनाबॉलिक हार्मोन हो सकता है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो लीवर 75% आईजीएफ प्रोड्यूस करता है और हम लोग के ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करता है। तो ये था पूरा कहानी आईजीएफ का और एचजीएच का, जो मैंने आपको समझा दिया कि एचजीएच और आईजीएफ में क्या डिफरेंस है, कैसे प्रोड्यूस होता है, किधर प्रोड्यूस होता है। ये होता है एचजीएच और आईजीएफ, जो आपको समझना जरूरी था। अब हम लोग ये समझते हैं कि आईजीएफ लेने से बेनिफिट क्या क्या है। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि बहुत अच्छा प्रोटीन सिंथेसिस होने में हेल्प करता है। सेकेंडली पॉजिटिवली वे में मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है। थर्ड, हम लोग के बॉडी में जो फैट स्टोर्ड होता है उसको एज अ एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उस एनर्जी को यूज करता है। फोर्थ, अ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग के बॉडी में जो नर्व टिश्यूज होते हैं उसको रीजेनरेट करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। फिफ्थ, हम लोग के बॉडी के जो लिगामेंट्स होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। और लास्ट, हम लोग के बॉडी में जो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं उसको वो इम्प्रूव करता है। देखा जाए तो और भी आईजीएफ के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको इंटरनेट पर मिल सकते हैं। अलग अलग स्टडी अलग अलग बेनिफिट्स बताए हैं, मगर ऑलमोस्ट देखा जाए तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं आईजीएफ के, जो हम लोग के बॉडी उसी बेनिफिट से चलता है। तो ये जो आईजीएफ है ये हम लोग का बॉडी ऑलमोस्ट 70% लीवर प्रोड्यूस करता है। तो ये सब बेनिफिट मिलता है, जितना ज्यादा आपका बॉडी आईजीएफ बनाएगा उतना ज्यादा आपको ये सब बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हम लोग ने बात कर लिया पेप्टाइड क्या होता है, हम लोग मेन टॉपिक में भी आए और मेन टॉपिक को भी समझ लिए कि एचजीएच क्या होता है, आईजीएफ क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सब चीज हम लोग ने क्लियर कर लिए। जो बेसिक नॉलेज था जो आपको गेन करना था वो हम लोग ने गेन कर लिया। अब हम लोग जो बात करना है मेन टॉपिक, जो एक्सटर्नली आईजीएफ लोग लेते हैं बॉडी बिल्डिंग में यूज करते हैं, वो क्या है, वो कैसे है, वो ये तो ये जो आईजीएफ है जो नेचुरल हम लोग के बॉडी में बनता है इसके बारे में हम लोग जाने, मगर एक्सटर्नली जो आईजीएफ है वो क्या है, कैसा है, कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप जब मार्केट में आईजीएफ लेने जाओगे या आईजीएच लेने जाओगे तो बहुत तरह के आईजीएफ आईजीएच आते हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से आईजीएफ आईजीएफ देती है बना के, मगर जो बाहर में जो आईजीएफ मिलती है वो सिर्फ दो ही तरह के होते हैं, ये आप जान लो। एक होते हैं आईजीएफ 1LR3 और एक दूसरा होता है आईजीएफ 1DES। ये दोनों ही आईजीएफ है जो मार्केट में मिलते हैं। हो सकते हैं कि कंपनी अलग अलग नाम से बनाती होगी दूसरे दूसरे नाम से, मगर यही दोनों के मेन कंपाउंड होते हैं। एक होता है आईजीएफ 1LR3 और दूसरा होता है आईजीएफ DES। तो यही दोनों कंपाउंड है जो आपको मार्केट में मिलेंगे। अब ये दोनों का जो एक्शन है, जो रोल प्ले, अलग अलग होता है, अलग अलग सिचुएशन का अलग अलग ये दोनों आईजीएफ को बॉडी बिल्डिंग में यूज किया जाता है। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे आप ये दोनों को आईजीएफ को कौन सा सिचुएशन में आप ले सकते हैं। पहले हम सबसे पहले बात करते हैं अपना आईजीएफ LR3 के बारे में। मैंने पास्ट वीडियोज में, आप मेरा हर एक वीडियो देखे होंगे या आपने वो वीडियो देखे होंगे जो मैंने वीडियो हाफ लाइफ और फुल लाइफ के बारे में बताया कि हर एक कंपाउंड का हाफ लाइफ और फुल लाइफ होता है। तो डिफरेंस इसमें हाफ लाइफ और फुल लाइफ का है। देखा जाए जो नेचुरल जो नॉर्मल आईजीएफ होता है उसका जो हाफ लाइफ होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। इसीलिए जो बाहर में जो ये आईजीएफ बनाया गया LR3 और DES, इसको मॉडिफाई कर दिया गया, नेचुरल अपना जो आईजीएफ होता है नॉर्मल सा उसको मॉडिफाई कर दिया गया, इसको LR3 नाम दे दिया गया और DES नाम दे दिया गया। तो क्यों? क्योंकि आईजीएफ का जो हाफ लाइफ और फुल लाइफ होता है बहुत छोटा होता है, तो इसको मॉडिफाई करके इसका हाफ लाइफ और फुल लाइफ को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया। जो अपना आईजीएफ LR3 होता है ये बहुत ज्यादा मोर पोटेंट होता है अपने नॉर्मल आईजीएफ से, और DES तो 10 times मोर पोटेंट होता है दूसरे आईजीएफ से। देखा जाए तो जो आईजीएफ LR3 है इसका हाफ लाइफ है अराउंड 20-30 आवर, और जो
IGF है, DES है, उसका हाफ लाइफ है अराउंड 3 to 4 आवर, तो ऑलमोस्ट 20 to 30 आवर है इसका हाफ लाइफ LR3 का, और DES का है अराउंड 3 to 4 आवर। तो दोनों का आप देख लो, हाफ लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो दोनों का जो रोल प्ले है, जो ग्रोथ है, कब क्या लेना है, ये दोनों में डिफरेंस है। आप कब LR3 ले सकते हैं और कब DES ले सकते हैं, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। DES देखा जाए तो ऑलमोस्ट 10 टाइम मोर पोटेंट है अपना दूसरे IGF से। तो थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं अपना LR3 और DES के बारे में। तो जो IGF LR3 है, इसका मैंने आपको बताया हाफ लाइफ 20 to 30 आवर है, तो ये ज्यादातर लोग यू एक वन डेज में एक बार ही शॉट लेते हैं, और एक दिन में एक बार शॉट लेने के बाद ये ज्यादा इसका जो काम होता है LR3 का, इसको क्या काम होता है कि फैट को ये लोग यूज करते हैं एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये LR3 को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक ही यूज किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं IGF LR3 के डोजेस के बारे में। तो IGF LR3 आप 20 mcg से लेके 50 mcg तक आप एवरीडे ले सकते हैं। कोई फीमेल लेना चाहता है IGF तो वो 20 mcg उनके लिए इनफ है। अब इसको लेना कैसे है, तो देखा जाए तो ज्यादातर अच्छा टाइम जो होता है IGF LR3 लेने का, वो होता है आफ्टर वर्कआउट, या आप कोई भी टाइम पे आप ले सकते हैं पूरे दिन में। ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि बिफोर वर्कआउट लेना है या आफ्टर वर्कआउट लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि जब भी आप वर्कआउट कंप्लीट करें, उसके बाद आप एक मील ले लें जिसमें अच्छा कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन सोर्स होना चाहिए। ये मील लेने के आधा घंटा के बाद आप IGF को इंजेक्ट करें, ये मेरा एक पर्सनल एडवाइस है। तो ज्यादा आपको अच्छा फर्क दिखेगा और उसका ज्यादा आपको अफेक्ट दिखेगा। और ये जो IGF LR3 है, ये ऑलमोस्ट आप 90 डेज तक रेगुलर 7 डेज अ वीक आपको लेना है, 90 डेज तक लेना है, इससे ज्यादा आप मत लो। उसके बाद ऑलमोस्ट 40 to 50 डेज का आप गैप डालो, उसके बाद वापस आप स्टार्ट कर सकते हैं लेना अपना IGF LR3 फॉर 90 डेज। तो ये इसका डोज है जो मैंने आपको बता दिया IGF LR3 के बारे में। अब थोड़ा सा बात करते हैं IGF DES के बारे में। तो IGF DES का देखा जाए तो हाफ लाइफ बहुत कम है, 3 to 4 आवर ही है। तो देखा जाए तो एक दिन में मल्टीपल ऑफ टाइम्स को IGF DES लिया जाता है, और देखा जाए तो जो LR3 होता है IGF, वो ऑल ओवर बॉडी फैट परसेंटेज को कम करने में यूज होता है, और ये जो DES है ये इंडिविजुअल मसल को ग्रो करने में लोग यूज करते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, बॉडी जल्दी इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि जो DES है इसको हम लोग मसल टू मसल यूज करके यूज कर सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं। मान के चलो कि आपका लेग का मसल स्क्वाट्स वीक है, तो आपको IGF DES लगेगा, LR3 नहीं लगेगा। LR3 आपको ऑल ओवर बॉडी का फैट रिड्यूस करने में, आपको ऑल ओवर द मसल ग्रोथ करने में काम करेगा, मगर DES आपका सिर्फ आपका उसी इंडिविजुअल मसल का ग्रो करने में काम करेंगे, क्योंकि इसका शॉर्ट पीरियड, इसका जो हाफ लाइफ है इसका बहुत ज्यादा शॉर्ट है। तो हम लोग इसको देखा जाए तो बहुत ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो DES को मल्टीपल ऑफ टाइम उनको इंजेक्ट करना पड़ता है अपने बॉडी में एवरीडे। अब मेरा सजेशन जो डोज का है मैं आपको बता दूं, ऑलमोस्ट देखा जाए तो DES का हाफ लाइफ बहुत कम है, इसलिए हम लोग इसका जो डोजेज है, इसका जो क्वांटिटी है, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। ऑलमोस्ट 50 mcg से लेके हम लोग 150 mcg तक एवरीडे यूज कर सकते हैं। तब इसका डोजेस के बारे में बात करते हैं तो कैसे आप ले सकते हैं मेरे हिसाब से, और आप मेरा सुन रहे तो आपको IGF लेना है DES और मसल टू मसल आपको यूज करना है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो इसको 7 डे यूज किया जाता है, एवरीडे मसल में ही मसल टू मसल डाला जाता है, एवरीडे डालो आप। और कैसे डालना है कि आपको वर्कआउट से पहले 50 mcg डालना है सेम मसल में, जो मसल को आपको ग्रो करना है, और वर्कआउट के बाद फिर आपको 50 mcg आपको इंजेक्ट करना है। तो ऐसे करके 2 डोज आप लो, वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद, ऐसे आप ले सकते हो IGF DES। सेम सजेशन एक और है, जब भी आप इसको इंजेक्ट करने जा रहे हैं तो उससे हाफ एन आवर बिफोर आप एक मील ले लो जिसमें सिंपल कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और प्रोटीन हो, उसके बाद आप उसको हाफ एन आवर के बाद इंजेक्ट करो, और उसके बाद आप जाके वर्कआउट कर लो, फिर उसके बाद फिर वापस आप एक मील ले लो जैसे अपना सिंपल कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और प्रोटीन हो, और उसके हाफ एन आवर के बाद फिर आप एक DES को इंजेक्ट कर लो।
ऐसे करके 50 mcg आप एक बार में इंजेक्ट कर सकते हो, और फिर दूसरा बार 50 mcg आप दूसरे बार में इंजेक्ट कर सकते हो, ऐसे करके 100 mcg आप एक दिन में आप ले सकते हो। इसको और आपको स्प्लिट करना है आप और स्प्लिट कर सकते हो, वैसा कोई भी दिक्कत नहीं है, और 150 mcg पर डे के लिए जा सकते हो। और जो IGF-DES है इसको हम लोग लंबे टाइम तक भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका बॉडी बहुत जल्दी इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम लोग एक लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सबके लिए है, इसे ध्यान से अब सुने। पहली बात कि IGF-LR3 और DES किसको यूज करना चाहिए, कोई मतलब वर्कआउट करना चालू किया है, कोई प्रो है, तो कब कौन सा लेना चाहिए। तो सबसे पहला सजेशन, जिसको ओवरऑल मसल बॉडी में ग्रो करना है, उसके ओवरऑल बॉडी में मसल ज्यादा नहीं है, तो उसको IGF-LR3 यूज करना चाहिए, उसको इंडिविजुअल मसल टू मसल वाला IGF यूज नहीं करना चाहिए। जो प्रो है, जो कंपटीशन खेल रहे हैं, 2-3-4 साल से खेल रहे, 5 साल से खेल रहे हैं, 1-2 साल से खेले हुए हैं, उनका मसल बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुका है, उनको ही IGF-DES लेना चाहिए, इंडिविजुअल मसल टू मसल। क्योंकि क्या होता है, जब आप प्रो हो चुके हैं तो बॉडी का कुछ ऐसा जेनेटिकली ऐसा मसल ग्रुप होता है जो वीक पोर्शन होता है, तो वहां पे आप इंजेक्ट करोगे IGF-DES को तो वहां पे आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। मगर कोई स्टार्टर है कि किसी को 1-2 साल वर्कआउट किए हुए है, मसल ग्रोथ के ऑल ओवर द बॉडी और भी करना जरूरी है, ऑल ओवर द बॉडी इसको डेवलप करना जरूरी है, और वो IGF-DES मसल टू मसल लेता है, तो वो पोर्शन उसका ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बाकी का पोर्शन उसका जो मसल है उसका ग्रुप उतना अच्छा से डेवलप नहीं रहेगा, तो वो अनबैलेंस दिखेगा। तो अभी किसी को IGF लेना है और ऑल ओवर द बॉडी मसल ग्रो करना है, सब जगह मसल अच्छा ग्रो करना है, तो उसको IGF-LR3 लेना चाहिए। और जो अच्छा मसल ग्रो कर चुके हैं, कोई वीक पोर्शन बच चुका है, जैसे लेग्स बहुत लोगों का वीक होता है, अपर बॉडी बहुत अच्छा बन जाता है, लेग किसी का बहुत ज्यादा वीक रहता है, हैमस्ट्रिंग वीक रहता है, क्वाड्स वीक रहता है, तो उसको क्या करना चाहिए, IGF-DES का यूज करके वो पोर्शन को इंक्रीज करना चाहिए। क्योंकि किसी का काफ वीक रहता है तो कंपटीशन में क्या होता है, उसके कारण उनको रैंकिंग नहीं बैठता, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ पोर्शन, कुछ ना कुछ मसल ग्रुप रहता है जो वीक रहता है, तो इसीलिए आप DES उस टाइम आप यूज कर सकते हैं। जो स्टार्टर है, 2-4 साल वर्कआउट हो गया है और उनको ऑल ओवर मसल ग्रुप बहुत कम है बॉडी में और उनको इंक्रीज करना है, कंपटीशन लेवल में जाने के लिए मसल ग्रुप ऑल ओवर द बॉडी और ज्यादा चाहिए, तो वो IGF-LR3 यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीज जो मैंने बताया है, ये सब चीज मैंने उन लोगों के लिए बताया है जो कंपटीशन लेवल पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो फिटनेस इंडस्ट्री में उनका करियर बनाना चाहते हैं, तो वो सब ये सब पेप्टाइड्स को यूज कर सकते हैं। बाकी जो लोग है सिर्फ ओनली फिटनेस में रहना चाहते हैं, मेरे जैसे लोग जो ओनली नीड फिटनेस, हम लोग का, मैं कंपटीशन लड़ने नहीं जाने वाला, मैं सिर्फ फिट रहना चाहता हूँ, बॉडी अच्छा दिखे, ऑल ओवर अच्छा दिखे, फोटो अच्छा आ जाए, जिम में 2-4 फोटो इंस्टाग्राम पे लगा दूं, तो उस हिसाब से आपको फिजिक बनाना है, तो ये सब पेप्टाइड्स की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल आप अच्छा डाइट करो, नॉर्मल बाकी के वर्कआउट अच्छा रखो, रेगुलर रहो, डिसिप्लिन में रहो, तो आप एक अच्छा फिजिक ऐसे बना सकते हैं जो आपको आप पे अच्छा लगेगा और आप अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल में आपका सेट रहेगा। तो वो लोग ये सब पेप्टाइड्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स सबके पीछे ना जाए। हाँ, वीडियो जरूर देखें, नॉलेज गेन कर ले, अच्छी बात है, कहीं यूज हो सकता है आप लोगों को, आगे जाके किसी को बताने में यूज आ सकता है, या खुद का नॉलेज गेन करना कोई बुरी बात नहीं है, तो उस हिसाब से ये नॉलेज सिर्फ आप गेन करके रख ले, फ्यूचर में क्या पता कब आपको काम पड़ जाए ये नॉलेज का। तो बस इतना, और बाकी के जो प्रो है और बाकी के जो एथलीट्स है जो फिटनेस इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा वीडियो काम आएगा। बाकी का आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड या और भी दूसरे कोई टॉपिक के रिलेटेड, तो मुझसे ज़रूर पूछें, मैं उसके बारे में ज़रूर आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियो बनाने की, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के दूँ आपको, कोशिश रहेगा। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर।